हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पावर ऑफ विनर्स टीम में आपका स्वागत है। आज हम एक एफएमसीजी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा एफएमसीजी कंपनी आईटीसी या फिर आपके हिंदुस्तान यूनिलीवर या फिर कई सारी एफएमसीजी कंपनी, अगर वह है कंपनी नहीं लेनी है तो आप एक कंपनी लेके काफ़ी कुछ अपना फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बना सकते हैं उस पर। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हिंदुस्तान फूड लिमिटेड। हिंदुस्तान फूड लिमिटेड एक स्मॉल कैप की कंपनी है। मार्केट कैप सिर्फ 6,313 करोड़ है। वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो अबाउट दिस कंपनी, कैसे क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट रहेगा। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर रहेगा कि आई एम डिस्कसिंग दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। मेरी आपको कोई एडवाइज नहीं रहेगी कि आप इस कंपनी के शेयर को खरीदें या बेचें। सो वन बाय गुड स्लोगन इज ऑल्सो हेयर दैट कि अगर हम लक्ष्मी जी की आरती करते हैं और उसमें दो लाइन है जो काफ़ी फेवरेट लाइन है मेरी, और आप लोगों को भी वो लाइन को हमेशा याद रखना चाहिए, सब कुछ संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ये अगर आप हर फैक्टर में लगाएंगे तो डेफिनेट करेंगे। और लक्ष्मी जी की आरती करते समय ये लाइन जरूर याद रखना, सो सब कुछ संभव हो जाता मन नहीं घबराता। आगे बढ़ते हैं तो हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड के बारे में जब बात करेंगे हम, तो जब हम इसकी वेबसाइट पर जाएंगे एंड हमने यहाँ पे इसकी वेबसाइट पर गए हैं और प्रोडक्ट्स में गए हैं, तो द कंपनी इज मेकिंग फूड एंड बेवरेज में है, पर्सनल केयर में है, ब्यूटी मेकअप में है, रेदर स्पोर्ट फुटवियर एक्सेसरीज में है, होम केयर में है, हेल्थ वेलनेस में है, पेस्ट कंट्रोल में है। मेनली ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे काम करते हैं और इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं उस पर ये मैन्युफैक्चरिंग बनाते हैं। एंड अगर आप देखेंगे कि इनके टाइप किस किस से है तो आपको ये ब्रांड यहाँ पे नज़र आते हुए दिखेंगे। तो मतलब मैं जो नामे पहचाने ब्रांडेड हैं, मतलब मैं आप ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे लैक्मी भी है, मदर केयर भी है, मोर्टीन भी है, लाइजोल है, डिटॉल है, कंफर्ट है, व्हील है, सर्फ एक्सेल है जो आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट है, एंड रिन भी है, मतलब मैं यूएस पोल एसोसिएशन, एरो हॉस्पोसी एंड आपका पेपर बोट, नोर, फायरक्स, संतूर, क्लिनिक प्लस, सनसिल्क, ब्रो, रेड बोल, ताजमहल, रेड लेवल एंड हार्पिक, नायका, नॉर्थ स्टार एंड पावर, सो नाइसिल, एवरीथिंग दे आर बी टाटा प्रोडक्ट बनाते हैं, विम का प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो दे आर मेकिंग इच गार्ड, क्रैक जैक, सब कुछ बनाते हैं बट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे काम कर रहे हैं। इस चीज़ में फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रोस्पेक्ट मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ होने वाला है। सो आई होप आपको इनके प्रोडक्ट समझ में आए होंगे और इनको दे आर हैविंग लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और ये सब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे है, तो ये आपने प्रोडक्ट समझ लिया। अब हम यहाँ पे और देख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखा भी है हिंदुस्तान फूड लिमिटेड इंडिया बेस्ड कंपनी विच इज इंगेज इन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेरियस एफ एम सी जी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फूड, होम केयर, पर्सनल केयर, बेवरेज। दे ऑल्सो डू मैन्युफैक्चरिंग लेदर शूज एंड एसेसरी। मतलब ये लोग अपनी जो अपनी लिस्ट है, लिस्ट मतलब काम जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वो लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। एंड एक्वायर बाय बैन ग्रुप हिंदुस्तान फूड लिमिटेड स्टार्टेड जॉइंट वेंचर बिटवीन गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन एंड डेम्पो ग्रुप मैन्युफैक्चर एंड न्यूट्रिशन फूड प्रोडक्ट अंडर द ब्रांड नेम फेरेक्स एंड फूड। तो इसके अंडर में इन्होंने काम शुरू किया था, फिर कंपनी का एक्विजिशन हुआ और चेंज द बिजनेस मॉडल किया। इन्होंने अपने लेवरेज को मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को चेंज किया और डाइवर्सिफाइड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है। और इनके पास अगर हम देखें तो दे हैव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, इनके पास 11 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इंडिया में अक्रॉस ऑल ओवर द इंडिया। सो ये सब चीज़ों की इनकी पहुंच भी हर जगह है, बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। और अगर हम देखें तो इनकी डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग है, द कंपनी इज डेडिकेटेड वन प्लांट प्रिंसिपल कंपनी, इट्स मॉडल कंट्रीब्यूट 85% रिवेन्यू, शेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग है और प्राइवेट लेवल मैन्युफैक्चरिंग है। तो मतलब प्राइवेट लेवल दूसरे के लेवल लगा के मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस, अगर हमका यहाँ पर क्लाइंट बेस देखें तो HUL हिंदुस्तान यूनिलिमिटेड, बाटा इंडिया है, पेप्सिको है, विप्रो है, गोदरेज कंज्यूमर है, तो इनके पास US पोलो काफ़ी अच्छे ब्रांड है और मेरे हिसाब से ये ब्रांड फ्यूचर में बढ़ेंगे, नो डाउट। इस बिजनेस के ऊपर कभी भी आप मेरे हिसाब से डाउट मत करना, जो कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में है। और आज की तारीख में इतनी डिमांड हो रही है कि जो ऑलरेडी जो मार्केट क्लियर है वो नहीं मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहे, तो दे आर नाउ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में, तो काफ़ी अच्छा सब कुछ होने वाला है। एंड अगर हम इनके नोट्स यहाँ पे देखेंगे या दिस इज द नोट्स में जाएंगे यहाँ पे, तो दिखेगा रिकॉर्ड टर्नओवर एंड पीएटी
फॉर द ईयर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिकॉर्डेड जनरेट हुआ है, रेवेन्यू इंक्रीज बाय 30% के पास रेवेन्यू, एबिटा ग्रो बाय 56% और पैट इंक्रीज बाय 66% एंड रेवेन्यू इंक्रीज बाय 27%। तो ये सब चीज़ें प्लस में होती हुई नज़र आ रही हैं कंपनी के। बाकी आप यहाँ से और डिटेल में चेक करना एंड कुछ नया मिले तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल सकते हैं, बिकॉज सम टाइम आई लॉट्स ऑफ कि हम पढ़ते हैं पर भूल जाते हैं, बट मेरे हिसाब से आई स्टडीड होल ऑफ द कंपनी हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड के बारे में, वो आपके साथ यहाँ पे हमें और शेयर करना चाह रहा हूँ। एंड अगर हम यहाँ पे इनकी एक पीपीटी में जाएंगे तो यहाँ पर इनका सारा कुछ लिखा है कि कब क्या किया है कंपनी ने, इस साल कितना नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, एवरीथिंग इज हियर। कंपनी के पास फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट काफ़ी अच्छा है और एक स्मॉल कैप कंपनी जिसकी मार्केट कैप सिर्फ 6,313 करोड़ है, और जब ये शेयर डाउन हुआ था तब तो और कम था, दैट वॉज कोविड में 344 के आसपास, 1 जुलाई 2022 में काफ़ी कुछ कम था। अगर हम बात कर लेते हैं इनके फाइनेंशियल की, तो आपको आई थिंक बिजनेस समझ में आ गया होगा, अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल में। तो 6,313 करोड़ की मार्केट कैप के साथ कंपनी के पास 560 रुपये करंट प्राइस है। स्टॉक का 52 वीक का हाई 749 एंड 397 चल रहा है। अगर स्टॉक का पी देखें 88.8 है, इंडस्ट्रीज का पी देखें 42.2 है, उससे महंगा दिख रहा है पर मुझे महंगा नहीं दिख रहा है। बुक वैल्यू 33.3 है, डिविडेंड सर्व नहीं करती, ROC एंड ROE बहुत ही अच्छे हैं। 6,313 करोड़ वाली कंपनी के लिए ROC 18.2 ग्रेट, एंड फेस वैल्यू यहाँ पे 2 रुपये, प्रोमोटर की होल्डिंग बहुत स्ट्रांग है, 65% प्रोमोटर की होल्डिंग है, नो डाउट प्रोमोटर काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हैं। एंड अगर हम देखें तो स्टॉक काफ़ी करेक्टेड भी है, और बेसिकली स्टॉक ने अपने आफ्टर कोविड जो मूव बनाया वो काफ़ी अच्छा 83 के आसपास ट्रेड करता था और 700 के आसपास गया, तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट बनाया वहाँ से। अब बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल के बारे में। तो क्वार्टरली सेल्स लगातार इंप्रूव हो रही है, और लास्ट ईयर जो लास्ट ईयर सेल्स आई हैं फाइनेंशियल 2022-23 में हाईएस्ट एवर सेल्स रही हैं हर क्वार्टर बाई क्वार्टर की, दैट इज ऑल्सो ग्रेट। अगर आप देखें 598 करोड़ जून में नहीं था, 662 करोड़ पिछले जून में नहीं था, 679 करोड़ पिछले सितंबर में नहीं था, दिसंबर में, मार्च में भी नहीं था, तो हाईएस्ट एवर सेल्स हैं यहाँ पर। और अगर आप P&N स्टेटमेंट देखेंगे तो 2598 करोड़ की इनकी सेल्स जनरेट हुई है, 2425 करोड़ का इनके पास एक्सपेंसेस हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 173 करोड़ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ 7% दिख रहे हैं, और नेट प्रॉफिटी की बात करें तो 71 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। जो कंपनी 2019 में सिर्फ 12 करोड़ प्रॉफिट में थी वो बढ़ते बढ़ते 71 करोड़ रुपये हो गई, काफ़ी अच्छे है मेरे हिसाब से। एंड मार्जिन इसलिए कम है कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में, तो दे कैन नॉट सेल देयर ओन प्रोडक्ट, तो इतनी मार्जिन नहीं होती, बट बिजनेस में ऐसा नहीं कि इनके पास ऑर्डर की कमी रहेगी या फिर इनके पास कॉन्ट्रैक्ट, कई सारे नए प्लेयर भी आ रहे हैं। अगर आपने नोट किया हो विप्रो के भी कई सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था उसमें ही बताया था कि IT सेक्टर कंपनी में खासकर विप्रो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, विप्रो लॉट ऑफ वेरियस सेगमेंट में। कल को ये भी हो सकता है कि विप्रो अपने सारे सेगमेंट को डिलिस्ट करा दे और अलग अलग लिस्टिंग करा दे, ये भी पॉसिबल। विप्रो FMCG में भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, तो विप्रो के लिए भी ये काम कर रहे हैं। एंड अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो शेयर कैपिटल 23 करोड़ का दिख रहा है, और यहाँ पे रिजर्व 352 करोड़ का है, और नेट यहाँ पे अगर हम बोरिंग देखें ना तो 513 करोड़ की। कंपनी नो डाउट बोरिंग बढ़ाई है, पर मेरे हिसाब से ये हेल्दी बोरिंग है, बिकॉज कंपनी अपना एक्सपेंशन कर रही है, कंपनी अपनी इंडस्ट्री बढ़ा रही है, इंडिया में खासकर ब्रांडेड चीज़ों का प्रोडक्ट की डिमांड दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है, और डिमांड जो कंपनियां हैं मार्केट लीडर वो पूरी नहीं कर पा रहे, तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग को भी अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी सो दैट दे कैन ऑल्सो अर्न मोर। फिक्स असेट की बात करें, लगातार कंपनी एक्सपेंशन मोड में, 133 करोड़ के फिक्स असेट से 554 करोड़ का फिक्स असेट हो गया, 125 करोड़ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में है, दिस इज द अट्रैक्टिंग थिंग्स। एंड अगर हम बात करें कैश फ्लो पॉजिटिव है, एंड प्रमोटर की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है, दैट इज़ अ गुड थिंग कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है ओवर पीरियड ऑफ द टाइम ऑफ 3 ईयर्स, 62.62 से 64.85 हुए, FI की होल्डिंग वहीं की वहीं है, DI की वहीं है, और पब्लिक के पास 21.94 दिख रही है, पर ऐसा इतनी नहीं है, बिकॉज अगर आप देखेंगे ना तो 4, 2, 6, 8, 9 तकरीबन 10% 10-11% के आसपास पब्लिक के ओनली, मेरे हिसाब से 10-11-10% के आसपास पब्लिक के, बाकी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड में है। सो ओवरऑल द बिजनेस ऑफ द दिस कंपनी फाइनेंशियल मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू वॉच द
चार्ट पैटर्न। सो हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड का यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं और स्टॉक अभी जो करेक्ट होके आया है और करेक्ट वी कैन से दैट करेक्ट ही है। एंड अगर हम देखें तो इस रेंज से मुझे ऐसा लग रहा है एक अच्छा खासा यहाँ पर मूवमेंट बन सकता है इस रेंज से, इस प्रेजेंट रेंज से, बिकॉज निफ्टी भी अब ऑल टाइम हाई के लिए ऊपर को जाने के लिए तैयार है और यहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्सल अगर बनता है और डेफिनेटली अगर आप इसको फॉर अ लॉन्ग टर्म रखेंगे तो भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। बट अगर हम एक छोटे स्पैन पीरियड ऑफ देखें, स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से देखें, तो दैट वुड बी अ 30% मोर देन 30% अगर विद इन अ ईयर आ जाए तो काफ़ी अच्छा रिटर्न होगा। एंड वेन एवर आई एम सेइंग 30% विद इन ईयर तो लोगों को थोड़ा बोरिंग लगता है कि सर 30% से क्या होगा, आई वॉन्ट टू डबल ट्रिपल। तो भाई ऐसा एज सच मनी स्टॉक मार्केट में नहीं बनने वाली, आप ट्रैपिंग में फंस जाएंगे, FNO में फंसेंगे, डूब जाएंगे, पैसा कुछ नहीं होने वाला, या फिर इंट्राडे करेंगे वहाँ पे भी डूबेंगे, या फिर आप जब भी कोई शेयर खरीदेंगे नीचे में जाएगा फिर आप बेच जाएंगे, लॉस बुक करेंगे यानी स्टॉप लॉस लगाएंगे और एक दिन बाहर निकल जाएंगे। पैसा धीरे धीरे बनता है स्टॉक मार्केट में, लर्निंग भी बढ़ती है, सब कुछ बढ़ता है ओवर पीरियड, ओवर टाइम कम से कम 5 से 6 साल लगेंगे तब आपको समझ में आएगा और आपका पैसा भी ग्रो करेगा उस हिसाब से जिस हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी के बेस पर चलेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ से 30% कमाने का मौका है और अगर 1 साल में आ जाए तो बढ़िया है, नहीं थोड़ा टाइम लगे तो भी बढ़िया है, बिकॉज एक स्मॉल कैप कंपनी लार्ज कैप कब बन जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। सो दिस वॉज द वीडियो ऑफ हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और 1 का सब्सक्राइब बढ़ाने की कोशिश कर दीजिए तो भाई को मोटिवेशन मिलेगा, आप लोगों की तरफ से हेल्प भी मिलेगी। एंड वन मोर रिक्वेस्ट इज दैट यार कि दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, डोंट टेक एनी शेयर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो एनी स्टॉक एंड नॉट ऑल्सो दिस वीडियो बट ऑल्सो ऑल माई वीडियो आर अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। सो टिल देन टेक योर सेल्फ, बाय बाय।